एक बार फिर आप सभी का सामाजिक अध्ययन की क्लास में स्वागत है। जैसा कि हम लोग बर्दन वंश के बारे में चर्चा कर रहे थे, उसी क्रम में अब हम हैंगसांग का भारत वृत्तांत टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चीन हैंगसांग जो है चीनी यात्री था, जो कि भारत आगमन हर्ष के शासन काल में हुआ था। हैंगसांग को यात्रियों का राजकुमार तथा नीति का पंडित भी कहा जाता है। हैंगसांग की कृति सी यू ई से जितना पता चलता है, उसके अभाव में हमारा प्राचीन भारत का ज्ञान अधूरा है। बी ए स्मिथ ने हैंगसांग के वर्णन के महत्व के विषय में प्रकाश डालते हुए लिखा है कि उसका ग्रंथ सच्चे समाचारों का अमूल्य कोष है, जिसका अध्ययन प्राचीन अवशेषों की खोज करने वाले विद्यार्थियों के लिए अति आवश्यक है। इस ग्रंथ ने भारत को के लुप्त हुए इतिहास को प्रकाश में लाने का कार्य किया है, जो भूतल विशारदों की पुरातत्व संबंधी किसी भी खोज ने नहीं किया। यद्यपि हैंगसांग के ग्रंथ का प्रधान ऐतिहासिक मूल्य इस बात में है कि उसने राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक संस्थाओं का वर्णन किया है। इसी क्रम में हैंगसांग के द्वारा भारत की राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक तथा सामाजिक दिशा का वर्णन किया है। सर्वप्रथम हम बात करते हैं राजनीतिक दिशा। चीनी यात्री हैंगसांग हर्ष के शासन में बहुत अधिक प्रभावित हुआ। उसके अनुसार हर्ष का शासन उदार सिद्धांतों पर आधारित था। शासन तंत्र जनहित की कामना करता था। राजा के परिश्रम तथा दानशीलता को भी हैंगसांग ने बहुत प्रशंसा की है। हैंगसांग के अनुसार राजा का दिन तीन भागों में व्यक्त होता था। दिन का एक भाग तो शासन के मामलों में व्यतीत हो जाता था तथा शेष दो भाग धार्मिक कृत्यों में व्यतीत होता था। वे काम में कभी थकने वाले न थे। उनके लिए दिन का समय बहुत ही कम था। अच्छे कार्यों में वे इतने संलग्न रहते थे कि वे सोना और खाना भी भूल जाते थे। हर्ष के काल में प्रजा सुखी एवं संपन्न थी। उनसे बेगार नहीं ली जाती थी। कर भी बहुत ज़्यादा नहीं था। भूमि कर भी उपज का 1/6 भाग होता था। हैंगसांग के अनुसार राजधानी कन्नौज एक भव्य नगर था तथा उसका सम्मान हर्ष के शासन काल में चरम उत्सव पर पहुंच गया था। हैंगसांग ने हर्ष की शक्तिशाली सेना का उल्लेख करते हुए कहा है कि उसके पास 60,000 हाथी तथा 1,00,000 घुड़सवार थे। इसी क्रम में अब हम चर्चा करते हैं आर्थिक दशा की। हैंगसांग के वृत्तांत से हर्षकालीन आर्थिक स्थिति पर प्रकाश पड़ता है। हर्षकालीन आर्थिक स्थिति में कृषि के द्वारा ही जनता अपनी रोजी रोटी अर्जित करती थी। सारे देश में सर्वत्र खेती होती थी तथा अन्न, फल, फूल अधिक पैदा होते थे। सिंचाई के उचित व्यवस्था करके कृषि की उन्नति की जाती थी। यद्यपि कृषि की प्रधानता हर्षकाल में थी, परंतु व्यापारी एवं व्यवसाय की भी कमी नहीं थी। भारत से विदेशों में चंदन की लकड़ी, जड़ी बूटी, गर्म मसाले, कपड़े आदि वस्तुएं निर्यात की जाती थी।
तथा भारत को घोड़े, हीरा, हाथी आदि वस्तुएं आयात की जाती थीं। हंसों के अनुसार भारत में ऊनी, सूती रेशमी तथा मलमल कपड़ा बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता था। हर्ष काल में चांदी के सिक्के का प्रचलन था तथा सोने के सिक्के प्राय बंद हो गए थे। अब हम इसी क्रम में बात करते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में। हंगसंग ने लिखा है कि हर्ष तो बौद्ध धर्म का अनुरायी था, किंतु उस समय अनेक धर्म भारत में प्रचलित थे। हंगसंग के अनुसार कुछ लोग तो मोर पुच्छ धारण करते थे, कुछ मुंडमाला द्वारा अपने को अलंकृत करते थे, कुछ बिल्कुल नग्न रहते थे, कुछ अपने शरीर को घास तथा तख्तों से ढांकते थे, कुछ अपने बालों को उखाड़ते और मूंछों को कटवाते थे, कुछ सिर के पार्श्व के बालों में जटा बना लेते थे और सिर पर घुमावदार चोटी रखते थे। अतः इससे स्पष्ट होता है कि हर्ष के शासन में भारत के अंदर विविध धार्मिक, सांप्रदायिक, दार्शनिक दल तथा सन्यासी थे। सर्वाधिक शक्तिशाली शैव संप्रदाय था। अब हम बात करते हैं हर्ष के काल की सामाजिक दिशा के बारे में। हंगसंग के वृत्तांत से हर्षकालीन सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। हंगसंग के अनुसार परंपरागत जाति विभेद में चार वर्ण थे। चारों जातियों में विभिन्न मात्रा में धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, जिनके अतिरिक्त हंगसंग ने मिश्रित जातियों का भी उल्लेख किया है। हंगसंग ने ब्राह्मणों को अत्यधिक प्रशंसा की है। ब्राह्मण अपने सिद्धांतों का पालन करते थे, संयम के साथ रहते थे, कठोरता से शुद्धाचार तथा अनुष्ठान करते थे। हंगसंग ने क्षत्रियों की भी खूब प्रशंसा की है तथा उन्होंने सीधे सीधे पवित्र, सरल तथा मित्रव्यापी बताया है। वैश्यों की भी राजनीतिक प्रभाव था, क्योंकि उनके हाथों में राष्ट्र की अर्थ शक्ति निहित थी। हंगसंग ने शूद्रों को कृषक कहा है, क्योंकि हर्ष के शासनकाल में शूद्रों ने मुख्य व्यवसाय कृषि था। हर्ष के अनुसार अंतरजनपदीय विवाह, अनुलोम विवाह, स्त्रियों का पुनर्विवाह तथा स्त्रियों का पुनर्विवाह नहीं होता था। हंगसंग ने तत्कालीन समाज में सती प्रथा का प्रचलन था। समाज में बहुविवाह की प्रथा थी। स्त्री पुरुष दोनों ही शिक्षा ग्रहण कर सकते थे। इसी के साथ ये अध्याय खत्म होता है। अब हम दूसरे अध्याय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।